हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीएस लेडीज फैशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको केनकेन स्कर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूं। तो सबसे पहले हमें केनकेन स्कर्ट क्यों बनाना है? क्योंकि आजकल बहुत सारे आउटफिट्स में हमें केनकेन को यूज़ करना पड़ता है, लाइक लॉन्ग गाउन्स में और लहंगास में। इससे ना आपके आउटफिट का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह हमें हर आउटफिट में केनकेन को लगा के स्टिच करवाना बहुत ही खर्चे की बात होती है और टेलर्स के चार्जेस भी जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर आप इस तरह से एक केनकेन स्कर्ट स्टिच करवा लें या कर लें, खुद आपको स्टिचिंग आती हो, तो आप हर आउटफिट के साथ इसको इजीली वेयर कर सकते हैं। आपका खर्चा भी जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। वन केनकेन स्कर्ट एंड मल्टीपल यूजेस। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर का सेंटोन फैब्रिक लिया है और यहाँ पे केनकेन जो है मैंने यहाँ पे 3.5 मीटर का लिया है। अगर आप अम्ब्रेला स्कर्ट पहनना चाहते हो तो आप इसको 3 मीटर ले लें। तो मैं यहाँ पे कलियों वाला स्कर्ट बनाऊंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको 2 मीटर का ही सेंटोन फैब्रिक लिया है। और मैंने इन दोनों के कलर जो है ना वो गोल्डन कलर लिए हैं। आप चाहे तो वाइट कलर ले सकते हैं या फिर ब्लैक कलर ले सकते हैं। वाइट, गोल्डन और बीच जो कलर होते हैं ये नॉर्मली रेगुलर कलर्स होते हैं, किसी भी आउटफिट के अंदर ये ईजिली एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर चूज़ किया है। अब मैं इस फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लेंगे। ये हमारा 2 मीटर का फैब्रिक है, सेंटोन फैब्रिक है। तो ये इसकी विड्थ है यानी कि चौड़ाई, और ये इसकी लेंथ है, फैब्रिक की लेंथ है। तो सबसे पहले हमें इसको फैब्रिक को चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा डबल हो गया है यहाँ पे इस तरह से। तो फिर से दोबारा मैं इसको फोल्ड करूँगी तो ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट के लिए फैब्रिक को कट कर लेंगे, क्योंकि हम स्कर्ट में बेल्ट को अलग से अटैच कर लेंगे। तो हमें 1 इंच की रेडी बेल्ट चाहिए, तो हम यहाँ पर 3.5 इंच का फैब्रिक कट करेंगे यानी कि बेल्ट को कट करेंगे। तो 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लें और इसको कट करके अलग कर लें। ये देखिए, हमने इसको साइड में रख लिया है। और जो भी हमारा जितना भी फैब्रिक है इसको रॉन्ग साइड फोल्ड करेंगे यानी कि उल्टी साइड हमें फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। तो पूरे फैब्रिक को मैं यहाँ पर इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड कर रही हूँ, पूरे फैब्रिक को इस तरह से। देन मैं फिर इसको लंबाई में फोल्ड करूँगी, ये देखिए इस तरह से। तो टोटल हमारा यहाँ पे 4 फोल्ड हो गया है, 4 लेयर्स बन गए हैं यहाँ पे फैब्रिक के हमारे। ये देखिए 1, 2, 3, 4। तो टोटल हमारे यहाँ पे 4 फोल्ड है। ऊपर इसकी फोल्डेड साइड है और नीचे जो है इसकी ओपन साइड है। यहाँ पे जो हमारा फैब्रिक जो क्रॉस आ रहा है इसको हम कट करके सीधा कर लेंगे। इस तरह फैब्रिक को सीधा कर लेना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे इसकी टोटल लेंथ देखिए आप, यहाँ पे 1 इंच फैब्रिक हम ऊपर से लगा लेंगे पट्टी के लिए। ये टोटल 38 इंच है और ऊपर पट्टी को हम अटैच करने के बाद तो ये 39 इंच आ जाएगा। नीचे फोल्डिंग में 1 इंच चला जाएगा तो टोटल ये हमारा रेडी 38 इंच का स्कर्ट बन जाएगा। क्योंकि हमें इसको अंदर पहनेंगे तो इसके ऊपर जो हमारा आउटफिट होगा उसको हमें ज़्यादा लेंथ लेना है। ये हमारा आउटफिट के अंदर पहनने का है, इसीलिए हम इसको 38 इंच की ही लेंथ रखेंगे। तो हम यहाँ पे हिप राउंड का निशान लगाएंगे। जितना भी हमारा हिप राउंड होता है उसका हमें 4th पार्ट ले लेना है। यहाँ पर स्कर्ट का हिप राउंड है 36 इंच, उसका 4th पार्ट हम यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करेंगे। तो 36 इंच का 4th पार्ट होता है यहाँ पे 9 इंच। आप अपने हिप राउंड के अकॉर्डिंग 4th पार्ट का मार्क कर लें। यहाँ पे मैं कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जितना भी हमारा हिप राउंड है उसका 4th पार्ट ही मैंने यहाँ पे मार्क किया है। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे ही मैंने यहाँ पे मार्क किया है, क्योंकि हम इसको कलीदार स्कर्ट बना रहे हैं। तो मैं साइड में मैं इसको कलियाँ अटैच कर लूँगी तो हमारा लूजिंग आ जाएगा। अब ये देखिए इस तरफ, यहाँ से मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करूँगी। इस तरह से, अब ये देखिए इस तरह से हमें ए लाइन शेप में इसको ड्रॉ कर लेंगे। इस वाले निशान से इस वाले निशान तक इस तरह से टेप को ए लाइन में रखना है और इसको निशान लगा देना है इस तरह से। ये देखिए अब हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए हमने इसको कट कर दिया है। यहाँ पे ऊपर जो है वो फोल्डेड है, इसको हम कट करके अलग कर देंगे। यहाँ पे इसको भी हम कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए हमने कट कर दिया है। अभी हमें यहाँ पे 4 कलियाँ बन गई हैं, ये हमारे स्कर्ट के सेंटर वाले पोर्शन में हमें अटैच करना है। इस तरह से हमें कलियों को अरेंज कर लेना है इस तरह से। ये देखिए जो फैब्रिक के कॉर्नर्स होती है उसको हमें इस तरफ रख लेना है। ये देखिए हमारे फ्रंट और बैक के लिए सेंटर वाली कली है, और ये जो है ये 4 कलियाँ ये साइड में लगेंगी, फ्रंट में 2 लगेंगी और बैक साइड 2 लगेंगी। तो टोटल ये 4 हैं, ये सेंटर वाले जो हैं ये 2 हैं कलियाँ, फ्रंट के लिए बैक के लिए। तो
तो सबसे पहले ये जो फैब्रिक है इसकी जो रॉन्ग साइड होती है उसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे ताकि हमें कलियों को अटैच करते वक्त तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसी तरह हमें कलियों में भी फ्रंट रॉन्ग साइड इसको मार्क कर लेंगे। हमें सिर्फ रॉन्ग साइड ही यानी कि उल्टी साइड ही निशान लगा लेना है, सीधी साइड हमें निशान नहीं लगाना है। जो भी आपके फैब्रिक का रॉन्ग साइड होता है उसके साइड आप इस तरह से निशान लगा लें। अब हमें इसको इस तरह से ये देखिए इसके ऊपर हाफ इंच रखेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब इसका टोटल मेजर करेंगे तो ये देखिए ये यहाँ पे आ रहा है 11.5 इंच। तो हमारे हिप्रोन का फोर्थ पार्ट था 9 इंच, अब यहाँ पे हमारा 2.5 इंच एक्स्ट्रा आ गया है। तो पूरे घेरे में हमारा यहाँ पे 10 इंच की लूजिंग आ गई है इस तरह कलियों को बना के हम अटैच करने से। अब हम एक पार्ट को ले लेंगे यानी कि सेंटर वाली एक कली को हम ले लेंगे, इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। और इसके दोनों साइड हमें इन दोनों कलियों को इस तरह से अरेंज करके स्टिच करना है। ये देखिए ये जो मार्क हमने लगाया है ये रॉन्ग साइड है यानी कि उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है यानी कि दोनों की सीधी साइड अंदर होनी चाहिए। जो हमने निशान लगाए हैं उल्टी साइड वो ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से हमें इस सेंटर वाले बड़ी कली के पास इसको रखना है और इसको मिला के स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद इसको इस तरह से हमें ओपन कर लेंगे तो ये इस तरह से नज़र आ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह दूसरे साइड भी हमें कली को अटैच कर लेना है। ये देखिए आपको निशान जो है यहाँ पे मार्किंग मैंने किया था ये दिख रहा है। इस तरह ये दोनों की सीधी साइड अंदर होनी चाहिए और जो रॉन्ग साइड होती है जो हमने निशान लगाया है वो इस तरह ऊपर आनी चाहिए। इस तरह हमें कलियों को रख के स्टिच कर लेना है दोनों साइड, तो ये हमारे एक पार्ट में दो कलियाँ लग जाएंगी। ये देखिए हमने दोनों कलियों को अटैच कर लिया है ये देखिए अच्छे से। अब आपको नीचे से इस तरह से नज़र आएगा, इसको हम थोड़ा सा ऐसा राउंड शेप देके इसको कट कर देंगे। दोनों साइड आपको इस तरह से कलियों को अटैच करने के बाद दिखेगा, इसको आप इस तरह से राउंड शेप देके कट कर लें। ये हमारे वन साइड का पार्ट जो है वो रेडी हो गया है। इसी तरह हमें दूसरे कलियों को भी अटैच कर लेना है। अब मैं इसकी घेर बताती हूँ आपको कितना है। ये देखिए यहाँ तक ये 40 इंच है तो यहाँ पे 1 मीटर हो गया है और ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे इतना 15.5 इंच आ रहा है। तो हमारे जो नॉर्मली फैब्रिक की जो विड्थ है वो 40 इंच की है। कलियों को अटैच करने से इसमें 15.5 इंच की घेर बढ़ गई है। अब इसी तरह हमें दूसरे कलियों को भी अटैच कर लेना है इस तरह से, जिस तरह हमने उस वाले पार्ट में कलियों को अटैच किया है बिल्कुल उसी तरह इससे भी हमें दोनों साइड कलियों को अटैच कर लेना है। ये देखिए हमने इस पे भी कलियों को अटैच कर लिया है। दोनों साइड हमारे कलियां जो है लग गए हैं। ये हमारे फ्रंट एंड बैक के लिए दोनों के पार्ट जो है रेडी हो गए हैं। अब हमें इन दोनों की सीधी साइड को इस तरह से अंदर रख लेना है और जो रॉन्ग साइड होती है जो सिलाई हमने लगाई वो ऊपर आनी चाहिए। इस तरह हमें एक दूसरे के बराबर बिल्कुल रख लेना है और एक साइड हमें सिलाई लगानी है। हमें सिर्फ एक साइड ही लगानी है, दूसरी साइड नहीं लगानी है। आप चाहे इस साइड सिलाई लगाएं या फिर उस साइड, सिर्फ हमें एक साइड ही सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने इस साइड इसकी सिलाई लगाई है और दूसरी साइड मैंने इसकी सिलाई नहीं लगाई है। अब हमें क्या करना है, इसके स्कर्ट के बॉटम की साइड जो होती है जो घेर वाली साइड होती है वहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच की डबल फोल्ड करके पूरे घेरे में हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। हमें इस देखिए इस तरह से मैंने इसको पूरे घेर में स्टिचिंग कर ली है। अभी हम इसमें ये जो कमर के लिए हमने बेल्ट कट किया है इसको हम अटैच कर लेना है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, इस पट्टी को इस बेल्ट को हमें इसके स्कर्ट के सीधी साइड रख के स्टिच करनी है, उल्टी साइड नहीं करनी है। सीधी साइड हमें इसको रख के इस तरह पूरे स्कर्ट में इस बेल्ट को घुमाते हुए 1/2 इंच की दूरी पर हमें इसकी स्टिचिंग लगानी है। यहाँ पर हमारा फैब्रिक कम आ रहा है, मैं इस पर जो कम हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको मैं अटैच कर लूँगी। ये देखिए मैंने इस पट्टी को स्टिच कर लिया है। यहाँ पे हमारा फैब्रिक मैचिंग का नहीं था, जो भी मेरे पास था उसको मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। बेल्ट पूरे स्कर्ट में हमारी यहाँ पे लग चुकी है। अब हम इसको इस तरह से डबल कर लेंगे स्कर्ट को। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगा देंगे। नीचे तक हमें सिलाई लगानी है। देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है।
अब हम यहाँ क्या करेंगे, ऊपर बेल्ट के पास हाफ इंच फोल्ड करेंगे, फिर 1 इंच हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, यानी कि जो बेल्ट हमारे स्कर्ट में स्टिच हुई है उस स्टिचिंग को हम अंदर की तरफ करते हुए इस बेल्ट को हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह फोल्ड करते हुए हमें पूरे राउंड में हमें इसको स्टिच कर लेना है। इस तरह से सिर्फ 2 इंच का गैप छोड़ना है इलास्टिक डालने के लिए, बाकी के पूरे बेल्ट को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। ये देखिए पूरे बेल्ट को हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है, सिर्फ 2 इंच का गैप छोड़ा है इलास्टिक डालने के लिए। मैंने यहाँ पे इलास्टिक ली है, जो भी आपका वेस्ट राउंड होता है उससे आप 5 इंच कम करके ले लें। यहाँ पे मैं 13 इंच है, डबल में है, और इसको पूरा मेजर करेंगे तो 26 इंच होगी इलास्टिक की। जब भी आप इलास्टिक लेंगे तो आपके वेस्ट राउंड से 5 इंच कम करके ले लें इलास्टिक। इस तरह आपको इलास्टिक को अंदर इंसर्ट कर लेना है और दोनों साइड के इलास्टिक के कॉर्नर्स को इस तरह से पकड़ के स्टिच कर लेना है। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है, अब इलास्टिक को अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हमें फिर से यहाँ पे जो गैप छोड़ा था उसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है, अब हम इलास्टिक को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे स्कर्ट को इस तरह से खींचते हुए। ये देखिए हमारे गैदर्स बन गए हैं। अब हम इलास्टिक के ऊपर एक स्टिच लगाएंगे, इस तरह से हमें मशीन पे रख के दोनों हाथों से खींचते हुए पूरे इलास्टिक पे इस तरह से सेंटर में सिलाई लगा देनी है। इससे आपकी इलास्टिक जो है वो गोल गोल घूमेगी नहीं। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसकी स्टिचिंग लगा दी है। इस तरह से मैंने दोनों हाथों से इलास्टिक को खींचते हुए स्टिच लगाया है। अब हम स्कर्ट को सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे केनकेन को ले लेंगे, ये 3.5 मीटर का केनकेन हमने यहाँ पे लिया है। ये देखिए केनकेन की जो विड्थ है ये डबल में 19.5 इंच है, तो ये टोटल विड्थ इसकी जो है वो 39 इंच की विड्थ है इसकी। तो पूरे केनकेन को लंबाई में इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेना है अच्छे से, केनकेन के कॉर्नर्स को बिल्कुल इक्वली करते हुए। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर्स को बिल्कुल इक्वल कर लेना है और इस पर हम यहाँ पर सेंटर में इसको कट कर लेना है। जितना भी हमारा केनकेन है 3.5 मीटर का केनकेन हमने यहाँ पे लिया है, पूरे केनकेन को यहाँ पे हमें सेंटर में कट कर लेना है। विड्थ वाइज कट करना है, लेंथ वाइज नहीं। ये देखिए हमने यहाँ पे कट कर लिया है, तो ये हमारे 2 पोर्शंस बन गए हैं 3.5 मीटर 3.5 मीटर के, तो टोटल 7 मीटर की लंबाई हो गई है केनकेन की। अब हम इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर स्टिच कर लेना है हमें, देखिए हमने यहाँ पर स्टिच कर ली है। ये देखिए इसकी लेंथ है अभी यहाँ पे 19 इंच है। अब हम स्कर्ट को ले लेंगे। अब हम यहाँ पे स्कर्ट के सीधी साइड 20 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह बॉटम के साइड टेप को रखना है, ऊपर 20 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि हमारी केनकेन की जो लेंथ है वो 19.5 इंच है, तो हम 1/2 इंच ऊपर करके 20 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह हमें पूरे स्कर्ट के बॉटम से 20 इंच पे मार्क कर लेना है, यानी कि नीचे से ऊपर की साइड हमें मेजर कर लेना है। घेर वाली साइड से हमें टेप को रख के 20 इंच पे इस तरह से मार्क करके पूरे स्कर्ट के राउंड में हमें मार्क कर लेना है। ये देखिए फ्रंट एंड बैक दोनों साइड हमने 20 इंच पे मार्क कर लिया है। अब इसका विड्थ मेजर करेंगे हम यहाँ पे, तो यह आ रहा है 35.5 इंच, तो टोटल पूरे राउंड में यह आ जाएगा 71 इंच। तो जो भी हमारा केनकेन जो अभी 7 मीटर का लंबा रेडी हुआ है उसको हम 71 इंच तक गैदर्स डालते हुए लाना है। अब हम यहाँ पे इसको प्लेट्स इस तरह से डालेंगे केनकेन में। ये देखिए इस तरह से हम इस पर इसका एक बॉक्स प्लेट बनाएंगे। यहाँ पे मैं पिन लगा रही हूँ, आप इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए मशीन में स्टिच कर लें। इस तरह से आप बड़े बड़े बॉक्स प्लेट्स बना लें। इस तरह पूरे जितना भी हमारा लेंथ है इसको पूरे में इसमें हम इस तरह से प्लेट्स बनाते 71 इंच लेंथ रेडी कर लेना है, क्योंकि हमारे स्कर्ट का राउंड था 71 इंच। तो ये देखिए हमने पूरे केनकेन को इस तरह से प्लेट्स डाल के स्टिच कर लिया है। अब हम स्कर्ट में इसको अटैच करना है, वो कैसे, ये देखिए एक लेयर को हम स्कर्ट के एक लेयर को इस तरह से ले लेंगे, दूसरे लेयर को साइड में इस तरह खिसा लेना है। हमें मशीन को भी इसी तरह लेना है। अब जो लाइन हमने ड्रॉ की है बिल्कुल उसी के ऊपर हमें इस तरह से रखना है इस केनकेन को, जहां हमने लाइन ड्रॉ की है उसी लाइन के ऊपर इसको रख लेना है और इसके ऊपर मशीन में हम स्टिचिंग लगानी है। ये देखिए आपको यहां पे लाइन नज़र आती होगी, बिल्कुल इसी के ऊपर पूरे राउंड में हमें इसी तरह से स्टिच करना है। ये देखिए हमने पूरे राउंड में इसकी स्टिचिंग कर दी है, हमने यहाँ से इसकी सिलाई स्टार्ट की है। और देखिए इसके बैक साइड भी इसी तरह हमें पूरे स्कर्ट को घुमाते हुए
इस कैनकेन को स्टिच कर लिया है। ये देखें इतना सा हमारा कैनकेन जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए इतना हमारा कैनकेन बच गया है, इसको हम साइड में कर देंगे। अब जो ये दो भी कैनकेन है इसको हम जॉइंट कर देंगे। इन दोनों को इस तरह मिलाते हुए आप इसकी स्टिचिंग कर लें। देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से मिला लेना है और इसकी स्टिचिंग करनी है। ये देखिए हमारा कैनकेन स्कर्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। होप कि आपको आपका मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले हर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।